तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद अच्छे होंगे। इस वीडियो में लेके आपके लिए 10 नए मोबाइल जो कि 2022 में लॉन्च होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और साथ में एंड करते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने पहले मोबाइल की तरफ। तो ये रहा हमारा पहला वीवो V23 5G जो कि देखने में काफी सुंदर और सोफिस्टिकेटेड है। अगर आप इसे हाथ में पकड़ो तो लगता है पूरा प्रीमियम फोन है। तो इसका एक और फीचर है कि इसकी जो बैक है वो कलर चेंज हो जाती है ऑटोमेटिक। अब बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसका जो डिस्प्ले है वो 6.44 इंच है और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल है। और इसकी रैम की बात करूँ तो 8 GB इसका मिनिमम से स्टार्टिंग है इसका। और जो इसकी स्टोरेज है वो है 128 GB और इसकी बैटरी कैपेसिटी है 4200 mAh। वो काफ़ी अच्छी बैटरी है इसकी। और जो इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है एंड्रॉयड 12, काफ़ी सही है एंड्रॉयड। और इसका जो रिजोल्यूशन है वो 1080p है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। जो बात करूँ इसकी प्राइस के बारे में तो वीवो V23 आता है आपका 29,000 के आसपास और इसका प्रो सेट आता है 38,000 के आसपास। तो ठीक है, मतलब काफ़ी हाई इनका है, इसने में तो आईफोन मिल जाएगा यार। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने दूसरे मोबाइल के बारे में जो कि Xiaomi 11 Lite 5G है। ये भी काफ़ी अच्छा सेट है। इसकी हम स्पेसिफिकेशन की बात कर लें तो इसका जो डिस्प्ले है वो 6.55 इंच है। इसकी जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 778G और इसका फ्रंट कैमरा काफ़ी सही है। 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। रियर कैमरा इसके 3 कैमरे हैं पीछे जो कि 64 है, 8 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल। जो इसकी रैम है वो मिनिमम स्टार्ट होती है 6 GB से। स्टोरेज इसकी है 128 GB से स्टार्टिंग होती है इनकी। जो इनकी बैटरी कैपेसिटी है वो है 4250 mAh बैटरी। तो काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा बैटरी है इसका। और इसकी जो रिजोल्यूशन है वो 1080 है, तो मतलब ठीक है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी प्राइस आपका 29-30 हज़ार के आसपास आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरे मोबाइल के बारे में जो कि सैमसंग गैलेक्सी S21 FE है। तो दोस्तों इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा दे रखा है इन्होंने, मतलब मिनिमल और सोफिस्टिकेटेड दे रखा है इन्होंने। देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है, लेकिन इसका नोच है आगे। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इसका डिस्प्ले जो है वो 6.40 इंच है। इसकी प्रोसेसर ऑक्टा कोर है। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल है। जो इसका रैम है वो 6 GB रैम है। इसकी जो स्टोरेज जो है वो 128 GB स्टोरेज है। तो हम बात करते हैं इसकी बैटरी कैपेसिटी के बारे में। तो इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो मैंने जितने अभी बताया पहले उन सब में इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो काफ़ी सही है। इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 4500 mAh बैटरी जो कि काफ़ी सही है। इसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो है एंड्रॉयड 12, ये भी एडवांस वर्जन इन्होंने दे रखा है। लेकिन जो इसकी रिजोल्यूशन है वो 1080 ही है। इसकी जो प्राइस रेंज आएगी आपकी 50-52 के आसपास पड़ेगी। तो ये भी काफ़ी कॉस्टली सेट ही है मेरे ख्याल से, ऐसा लगता है मुझे। अब आते हैं अपने चौथे मोबाइल के बारे में जो कि IQ से आ रहा है। ये आपका IQ9 और IQ9 Pro दो सेट आएंगे इसमें। इसका जो लुक है वो काफ़ी सही लग रहा है मुझे, मतलब कि स्क्वायर में इन्होंने कैमरा दे रखा है तो एक नया इन्होंने दे रखा है डिज़ाइन वगैरह, तो ठीक है डिज़ाइन। अब हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इसका जो डिस्प्ले है वो 6.78 इंच है। इसकी जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 जो कि काफ़ी एडवांस वर्जन है। जो इसका फ्रंट कैमरा है वो है इसका 16 मेगापिक्सल जो कि काफ़ी सही है। इसकी जो रियर कैमरा है वो 3 कैमरा है, एक है 50 मेगापिक्सल, एक है 13, एक है 12 मेगापिक्सल, तो काफ़ी ठीक ठाक है। अब हम बात करते हैं इसकी रैम की। रैम है इसकी 12 GB, स्टोरेज है इसकी 512 GB स्टोरेज और इसकी बैटरी कैपेसिटी है वो 4700 mAh बैटरी है। ये पहले से मैंने जितना बताया उसमें इसका सबसे ज़्यादा बैटरी है कैपेसिटी। और इसकी जो एंड्रॉयड वर्जन है वो है एंड्रॉयड 12, वो भी काफ़ी सही है। लेकिन जो इसका रिजोल्यूशन है वो है 1080p ही है। और बात करें इसकी प्राइस के बारे में तो इसकी प्राइस आपकी पड़ेगी 50,000 और 60,000 के आसपास पड़ेगी। मतलब ये भी काफ़ी कॉस्टली फ़ोन आने वाला है। तो कोई भी मोबाइल आपका 10,000 के रेंज में नहीं आ रहा है फिलहाल। तो अब हम आते हैं अगले मोबाइल की तरफ जो है आपका आ रहा है Realme GT 2 और Realme GT Pro, दो आ रहे हैं आपके प्रो और GT वर्जन। इसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी सही लग रही है मुझे, क्योंकि इसका जो सिग्नेचर का पैड है ये काफ़ी सही लग रहा है मुझे। और इसका जो कैमरा का पोजीशन है और जो इन्होंने स्क्वायर बनाया ये मुझे सही लग रहा है। और इसकी जो कलर करेक्शन है ये भी ठीक ठाक लग रही है मुझे। अब हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इसका जो डिस्प्ले है वो है 6.67 इंच और इसका जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, ये भी काफ़ी एडवांस वर्जन है। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो है 32 मेगापिक्सल। इसके 3 रियर कैमरा हैं, 2 आपका 50 मेगापिक्सल का है और 1 2 मेगापिक्सल का। इसकी जो रैम है वो 8 GB रैम है और इसका जो स्टोरेज है वो 128 GB स्टोरेज है। और बात करूँ इसकी बैटरी कैपेसिटी की तो अभी तक मैंने जितने 4 बताए हैं उसमें इसका सबसे ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी, इसकी बैटरी कैपेसिटी है 5000 mAh, तो ये काफ़ी ज़्यादा बैटरी है इसकी। और बात करूँ इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की तो इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका 12 है। तो इसका जो रिजोल्यूशन है वो है इसका
1440 यानी 1440, तो काफ़ी सही है। और बात करूँ इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस काफ़ी मतलब पहले मैंने जितने बताए उससे इसकी प्राइस थोड़ी सी ठीक है, मतलब 30-40 के अंदर आपको प्रो वर्जन और आपका GT2 मिल जाएगा रियलमी का। अब हम बात करते हैं OnePlus 10 Pro के बारे में। तो OnePlus 10 Pro की जो डिज़ाइन है वो काफ़ी कूल है, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, मतलब स्क्वायर उन्होंने दे रखा है और पीछे 3 कैमरे हैं और इसका एक फ्लैश लाइट है और इसका जो लोगो है वो इसको प्रीमियम लुक देता है। अब हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इसका जो डिस्प्ले है वो है 6.70 इंच और इसकी जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 है, तो ये भी काफ़ी एडवांस वर्जन है। जो इसके फ्रंट कैमरा है ये है 32 मेगापिक्सल। अब हम बात करते हैं इसके रियर कैमरा की, तो इसका रियर कैमरा है 48 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल। अब हम बात करते हैं इसकी रैम की, तो रैम है इसकी 8GB रैम है और इसकी जो स्टोरेज है वो 128GB है। तो इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 5000mAh बैटरी, जो कि पिछले वाले रियलमी से मैच करती है। और जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है एंड्रॉयड 12, जो कि पिछले वाले से भी मैच कर रहा है। और जो इसका रिजोल्यूशन है वो भी रियलमी से मैच कर रहा है, 1440 यानी 1440, तो दोनों मैच कर। लेकिन जो इसकी प्राइसिंग है वो काफ़ी हाई है, इसकी जो प्राइसिंग है वो है आपका 70-60 के आसपास जाएगा, तो काफ़ी इसकी हाई प्राइसिंग दे रखा है इन्होंने। अब हम बात करते हैं Realme 9i के बारे में, ये भी काफ़ी कूल सेट होने वाला है आपका, जो दिखने में काफ़ी प्रीमियम लुक रहेगा। इसकी हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में, ये एक मिड रेंज मोबाइल है जो कि एवरेज पर्सन नॉर्मल पर्सन के लिए काफ़ी बेटर रहेगा। इसकी जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 680, इसका रियर कैमरा जो है वो 50 मेगापिक्सल रहेगा। और जो इसकी प्राइसिंग रहेगी वो आपकी 15,000 के आसपास आएगी, जो कि हम एवरेज पर्सन बाय कर सकते हैं इजिली। अब हम बात करते हैं Motorola G71 5G के बारे में, तो इसकी जो डिज़ाइन ये भी काफी अच्छा है डिजाइन, इसकी जो पीछे एम लिखी हुई है काफी सही लगती है मेरे को, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन करते हैं Motorola मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। लेकिन आपको मैं बताता हूँ इसकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। तो इसकी जो डिस्प्ले है वो 6.4 इंच इसकी डिस्प्ले है, इसका जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 695, इसकी जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल है, इसकी जो रियर कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल, यानी 3 कैमरा इसके पीछे हैं। उसका जो रैम है वो 6GB का रैम आएगा, स्टोरेज इसकी 128GB की आएगी। और इसका जो बैटरी कैपेसिटी है, तो बैटरी कैपेसिटी इसकी भी ठीक ठाक है, मतलब 5000mAh इसकी बैटरी है तो ठीक है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम 11 है और इसका जो रिजोल्यूशन है वो 1080 है, तो ओवरऑल तो ठीक। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो इसकी प्राइस 21,000-20,000 के आसपास आएगा, तो ये भी एक मिड रेंज में अच्छा मोबाइल मिल रहा है। लेकिन इससे अच्छा आपको Realme 9i मिल जाएगा आपको देखने में, ये भी काफ़ी अच्छा स्नैपड्रैगन के साथ मिल रहा है। और अब हम बात करते हैं आईफोन के बारे में, तो इस 2022 आईफोन 14 की सीरीज भी आएंगी और M2 चिप वाला मैकबुक भी जल्द आने वाला है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटे को दबा देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दिल से।